बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर पुलिस अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रही है और जनता के बीच में जाकर बेहतर रिलेशन पुलिस के साथ वो करने का काम कर रही है। वैसे में रविवार को चिकसौरा थाना के थानाध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा एक सभा का आयोजन मड़वा गांव में किया है। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, वैसे में आप और पुलिस मिलकर बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करा सकते हैं। वैसे में उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता कि कहीं शराब की तस्करी हो रहा या शराब बनाया जा रहा, वैसे में आप गुप्त सूचना पुलिस को दें, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। वैसे में ग्रामीणों को उसके मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इस दौरान कई समाजसेवी भी मौजूद थे। क्या कुछ कर रहे थाना प्रभारी, जरा सुनिए। ये घर में हमेशा कष्ट एवं परेशानियां प्रायः देखी जाती हैं। जहां बालकों को शिक्षा मिलनी चाहिए वहां पर बालकों का अच्छे ढंग से भरण पोषण भी नहीं हो पाता। कारण कि जो पैसा आप मेहनत करके मजदूरी करके लाते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छे ढंग से एक प्रबुद्ध नागरिक की तरह जीवन यापन करने के लिए, विकास करने के लिए, वह पैसा शराब में चला जाता है। उसका दुष्परिणाम है शरीर भी धीरे धीरे, जो 100 वर्ष जीना चाहिए वो व्यक्ति शराबी जो है 50 वर्ष में ही मर जाता है और अपने पीछे अपने परिवार को विरक्ता छोड़ जाता है, बर्बादी के कगार पर छोड़ करके चला जाता है।